हेलो, वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और आज फिर मैं एक बार अपने बच्चों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम डे बाय डे बच्चे तरक्की कर रहे हैं और मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। बहुत खुशी है कि आप लोग सब साथ साथ चल रहे हैं और मुझे बहुत इनक्रेज करते हैं सब्सक्राइब करके, लाइक करके और अपने कमेंट्स देके। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया तो थैंक यू, और अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको इसके नोटिफिकेशन मिलें और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज फिर हम थ्री लेटर वर्ड्स की बात करेंगे। सभी वॉवल्स के साथ थ्री लेटर वर्ड्स कैसे बनते हैं, कैसे उनका उच्चारण किया जाता है, कैसे हम और भाषा में शब्द ना लिखकर केवल वॉवल्स की मदद से ही, इस ट्रिक से ही हमारे बच्चे उच्चारण कर सकें, इंडिपेंडेंट हो, जो मर्जी वर्ड दे दो और बच्चा उसका सही उच्चारण कर पाए, बस यही हमारा प्रयास है। चलिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं। पहले हमने बच्चों के साथ, आप सब के साथ हमने वॉवल्स की बात करी थी, विथ कॉन्सोनेंट टू लेटर वर्ड्स। उसमें हमने वॉवल और कॉन्सोनेंट को कैसे जोड़ा जाए, कैसे उनके उच्चारण को मिला के हम बोलें, और वो था वॉवल कॉन्सोनेंट का मेल, जिसमें पहले वॉवल आता था और फिर आता था कॉन्सोनेंट। वॉवल को हम कहेंगे, इशारा करेंगे, इंगित करेंगे वी से, और कॉन्सोनेंट को इंगित करेंगे हम लोग सी से। तो जैसा कि हमने पूर्व में वॉवल आई के साथ क्या काम किया था, ये भी रिकैप है, आपको सबको याद आ रहा होगा अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे। अब मैं कोशिश करूंगी कि जो वीडियो इसमें लिंक है उसका आपको लिंक ज़रूर दूं, ताकि इसको समझने के लिए आप एक बार उसको देखकर रिकैप भी कर सकें। इसमें है आई, आज हम लेंगे वॉवल आई। आई से हमने टू लेटर वर्ड्स जो बनाए थे, आई का उच्चारण क्या था, शॉर्ट ई, ई ग इक, ई ट इट, ई ड इड, ई न इन, ई प इप। इसमें हम देख रहे हैं कि वॉवल का जो उच्चारण है वो पहले बोला जा रहा है और फिर उसके बाद जुड़े हुए कॉन्सोनेंट को उसके साथ जुड़ के उसकी ध्वनि मिलाकर हम लोग एक शब्द बोलते हैं। ये थे हमारे टू लेटर वर्ड्स विद वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। अब हम इन्हीं टू लेटर वर्ड्स के साथ बस एक सी जोड़ेंगे, एक कॉन्सोनेंट जोड़ेंगे उसके सामने, जिससे कि वो एक मीनिंगफुल, एक सार्थक शब्द बन सके जो हमारे रोज़ के यूज़ में आता हो और हमें उससे पहचान हो, ऐसे शब्द हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे थ्री लेटर वर्ड्स का प्रारूप क्या होगा, सी वी सी। सी मतलब कॉन्सोनेंट, V मतलब वॉवल और C मतलब अगेन कॉन्सोनेंट। अगर हम ए सी पे हाथ रख दें, इसको छुपा दें, तो ये वी सी बनेगा। वी सी आपके पहले टू लेटर वर्ड्स आप लोग कर चुके हैं, तो ऐसा कोई कठिन नहीं होगा, बहुत सरल होगा। बस एक कॉन्सोनेंट जोड़ेंगे, एक लेटर कॉन्सोनेंट जोड़ेंगे और हम अपने नए थ्री लेटर वर्ड्स देखिए कितने फुर्ती से बना पाएंगे। ए और ई के साथ आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इजी होगी, क्योंकि हमारे बच्चों का अब आइडिया मिल चुका है कि कैसे एक अक्षर को जोड़कर हम टू लेटर वर्ड्स के साथ एक को जोड़कर हम कैसे थ्री लेटर वर्ड्स बनाएंगे। चलिए सबसे पहले है आई जी, और आई का उच्चारण है ई और जी का है ग, ई ग इग। हमने इग, इड, इट, इन, इप, ई ग ईड, ईट, इन, ईप, हो गया उच्चारण। अब हम आगे और देखते हैं ब ई ग, अब ये बी नहीं है, ब ड प व फ। बोलेंगे कैसे, कैसे बच्चे सीखेंगे बोल बोल के, ये तो बच्चे सब जानते हैं, ई ग इग, ई ग इग, ई ग इग, इग सब जानते हैं, बस इसके आगे एक कॉन्सोनेंट की ध्वनि को जोड़िए और अपना तीन लेटर वर्ड बना दीजिए। बिग, ब ई ग बिग, ड ई ग डिग,
P ig pig, V ig wig, F ig fig. बच्चों को आप डिक्टेशन दे सकते हैं, लिखिए big, dig, leg, कुछ भी अल्फाबेट जोड़ दीजिए, बस ये सुनना कि क्या वो सुन पा रहे हैं आपकी आवाज़ को, क्या उस आवाज़ से आप पहचान पा रहे हैं कि कौन सा अक्षर लिखना है, ये कौन से अक्षर से इसकी ध्वनि को लिखा जाएगा. बस ये बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है और बच्चों को डिक्टेशन और दें ताकि बच्चों को सुनकर लिखने की आदत हो जाए. नेक्स्ट हम लेते हैं आई डी एड ई ड एड ड ई ड डिड. अब देखिए ये सब जगह यहाँ पे मैंने अंडरलाइन ही किया है, ये सब आपके वॉवल हैं. एड ये कॉमन है सब में, ई ड एड ई ड एड ईड एड ईड एड. अब एड के आगे क्या लगा हुआ है, ड क ल र ब स म. बोलेंगे कैसे, कैसे बनाएंगे वर्ड्स, ड ईड डिड क ईड किड ल ईड ल ईड ई कहाँ गई, ल के ऊपर लिड. र ईड ई किसके ऊपर आ गई, र के ऊपर रेड. ब ई ड बिड स ई ड. अब ये इड है तो यहाँ पे ई की मात्रा इस पे बोल जाएगी, सिड. म ई ड मिड. नेक्स्ट हमारा है ई ट इट ई ट इट. इसको भी हम देखिए सब में क्या कॉमन है, इट 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 कॉमन है सब में. किया क्या हमने, बस कुछ नहीं, इसके आगे एक एक कॉन्सनेंट हम लोगों ने जोड़ दी है. देखें ब इट बिट, यहाँ पे था ब ई, यहाँ पे ड है तो बिट बोल दिया, यहाँ पे ट है तो ट बोल दिया, बिट बोल दिया. क इट किट, प इट पिट, स इट सेट, प इट पिट, ह इट हिट. उम्मीद करती हूँ इजी लग रहा होगा आप धीरे धीरे, उम्मीद ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि इजी लग रहा होगा. चलिए हम आगे चलते हैं, ई न इन ई न इन. यहाँ पे भी बच्चों सबको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, इन 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 ये इन इन ये सब कॉमन है. तो ये क्या होगा, ब ई न बिन, ट ई न टिन, प ई न पिन, फ इन फ ई न फिन, र ई न रिन, स ई न स ई न र ई न ई किस पे आ गई, र के पर रिन, सिन पिन टिन मिन निन. कुछ भी बना लीजिए उच्चारण की प्रैक्टिस के लिए, हो सकता है कुछ शब्दों के मीनिंग्स ना हो लेकिन उच्चारण के लिए हम लोग अल्फाबेट्स को जोड़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं. लास्ट है आपका आई पी, और आई का उच्चारण है ई और पी का है प, तो ये हो गया ई प इप. इप को भी हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, ड न र स ल ट ज, ड इ प डिप, न इ प निप, र इ प रिप, स इ प सिप, ल इ प लिप, ट इ प टिप, ज इ प जिप. डिप निप रिप सिप लिप टिप जिप. देखिए कितना आसान है, अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे दिमाग से मन से इसको करने की कोशिश करेंगे समझकर, तो विश्वास जानिए इट इज़ वेरी इजी टू प्रोनाउंस थ्री लेटर वर्ड्स. एंड आई होप ऑल द थिंग्स आर वेरी इजी, बहुत आसान हमारे बच्चों के लिए होता जा रहा है. जैसे मेरे को पढ़ाना इजी होता जा रहा है, अपने बच्चों की समझ लग रही है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि धीरे धीरे ऐसी चीज़ें लेके आएंगे कि बच्चे कहेंगे अरे वाह इंग्लिश इज़ अ गेम एंड इंग्लिश इज़ वेरी इजी.
उम्मीद करती हूँ सबको इजी लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ आई होगी। खूब समझें, खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। बहुत सारा आशीर्वाद बच्चों को। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई रिमाइंड एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड प्रेस द आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशंस एंड बी कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आई लव यू ऑल वेरी मच। थैंक यू।